Hello everyone, welcome to operating system tutorial. In this lecture, I will discuss memory management techniques. If you haven't watched my previous video about memory management, please go and watch the previous video. So let's get started. Memory management techniques is categorized into two types. First one is contiguous and the other is non-contiguous. So guys, contiguous means ek lagatar, theek hai? Jaise hum अच्छा क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है ना मेन मेमोरी वो एकदम वन डी एरे की तरह होती है. ठीक है, वन डी एरे यू ऑल नो. सो कॉन्टिगुअस मतलब एक साथ हमने अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो एक साथ रख दिया. ठीक है, एक साथ मेमोरी है. नॉन कॉन्टिगुअस मतलब गैप में, कॉन्टिन्यूटी नहीं है कोई. ओके, सो कॉन्टिगुअस इज फर्दर कैटेगराइज इंटू फिक्स पार्टीशन स्कीम एंड मल्टीपल पार्टीशन स्कीम एंड नॉन कॉन्टिगुअस इज पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. सो इन दिस लेक्चर I will discuss about fixed partition scheme and multiple partition scheme. Okay, and the next further videos I will explain the paging and segmentation. So let's get started. So in fixed partition scheme, in this scheme actually हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, memory management techniques पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो memory management techniques is nothing but हम अपने program को memory में किस तरीके से रखें कि मेमोरी जो है इफेक्टिवली यूज़ हो जाए. ठीक है, तो हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे अभी फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में, कि हम अपने प्रोग्राम जो भी उसका साइज़ है, 100 KB, 50 KB, 150 KB, जो भी उसका साइज़ है, हम उसको अपनी मेमोरी में, मेन मेमोरी में किस फैशन में रख रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टेक्निक इज़ फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम हम फॉलो कर रहे हैं. तो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में होता क्या है, देखो ये हमारी मेमोरी है. ठीक है, ये हमारी मेमोरी है से सपोज. अब फिक्स पार्टीशन का मतलब क्या है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे पार्टीशन कर रहे हैं. ये वाली कैटेगरी किस में आती है, कॉन्टिगुअस में. ठीक है, सो कैसे पार्टीशन कर रहे हैं, अगर मैंने बोला कि मैं अपनी मेन मेमोरी में 8 नंबर ऑफ पार्टीशंस कर रही हूँ, दैट नंबर 8 इज़ फिक्स्ड. ठीक है, मैंने यहाँ पे पार्टीशन करे, मैंने बोला एरे की तरह होता है तो जीरो से स्टार्ट होगी इसकी इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सो मैंने बोला यहाँ पे मैं 8 पार्टीशंस कर रही हूँ, 8 पार्टीशंस. ठीक है, सो दैट नंबर 8 इज़ फिक्स्ड. ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसीलिए इसका नाम है फिक्स पार्टीशन स्कीम, क्योंकि मैंने बोला कि मैं 8 पार्टीशंस करने वाली हूँ, तो ये 8 नंबर जो है वो फिक्स हो गया. ठीक है, अब हर पार्टीशन का जो साइज़ है ना वो फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ पार्टीशंस फिक्स है, इसीलिए इसका नाम फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम है. लेकिन पर पार्टीशन जो साइज़ है हर पार्टीशन का वो डिफरेंट है. मान लो इसका 10 KB साइज़ है, इसका 20 KB साइज़ है, इसका 5 KB साइज़ है, इसका 30 KB साइज़ है. ठीक है, इसका 2 KB साइज़ है, इसका 150 KB साइज़ है, इसका 70 KB साइज़ है, इसका 60 KB साइज़ है. तो नंबर ऑफ पार्टीशन 8, ये नंबर फिक्स है, इसीलिए इसका नाम फिक्स पार्टीशन स्कीम है. पर पार्टीशन, हर पार्टीशन, ईच पार्टीशन हैज़ डिफरेंट साइज. ठीक है, ये होती है फिक्स पार्टीशन स्कीम. अब मान लो एक प्रोग्राम आया P1 प्रोग्राम आया. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, और उसका साइज़ है से सपोज 20 KB. ठीक है, 20 KB का प्रोग्राम है, उसको हमें डालना है फिक्स पार्टीशन स्कीम के अकॉर्डिंग मेन मेमोरी में. ये दिस इज़ नथिंग बट मेन मेमोरी. ओके, सो ये प्रोग्राम था हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी से आया ये मेन मेमोरी में जिसका साइज़ है 20 KB. तो मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको, ये हमारा प्रोग्राम आ गया P1 20 KB. अब क्या हुआ, ये जो 10 KB है ना, ये खाली बच गया. ठीक है, इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इस पार्टीशन का साइज़ कितना था, 30 KB. ठीक है, और साइज़ प्रोग्राम का साइज़ था 20 KB, तो 10 KB फालतू में वेस्ट हो रहा है ना. तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो वेस्टेज है ना, ये वेस्टेड होल, इसको हम होल भी बोल सकते हैं. तो दिस इज़ नथिंग बट इंटरनल फ्रेगमेंट. ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंट हम इसको बोलते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो मतलब ये 10 KB फर्दर यूज़ नहीं हो पाएगा. ऐसे करते करते जब सारी मेमोरी फुल हो जाएगी, यहाँ P1 P2 आ गया, यहाँ P3 आ गया, तो कहीं ना कहीं साइजेस जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे. ठीक है, P3 में भी कुछ वेस्टेज होगी. सो दिस होल वेस्टेड होल इज़ नथिंग बट नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंट, और हम इस प्रोसेस को बोल देंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. तो फिक्स पार्टीशन में ये प्रॉब्लम आती है हमें. ठीक है, फिक्स पार्टीशन
This is fixed partition. Next is variable partition. Variable partition. ये दोनों ही types contiguous memory के हैं. Variable partition में क्या होता है? जैसे जैसे programs आते जाएंगे ना, वैसे वैसे partition कर दो. फिक्स में हम पहले ही पार्टीशन करके रख रहे थे, लेकिन इसमें मैंने क्या बोला, जैसे जैसे प्रोग्राम्स आएंगे वैसे वैसे हम पार्टीशन करेंगे. अभी हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. से सपोज P1 का साइज़ 20 KB है, ठीक है, P2 का साइज़ 30 KB है और P3 का साइज़ 40 KB है एंड P4 का साइज़ 70 KB है, ठीक है. अब क्या होता है, ये लाइन से आते हैं P1, P2, P3, P4. CPU को ये तीनों चारों एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन दिस ऑर्डर, P1, P2, P3, P4. ओके, अब मेन मेमोरी में पार्टीशनिंग वेरिएबल पार्टीशन स्कीम यूज़ हो रही है, तो हमें इन प्रोग्राम्स को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करना है एंड यूजिंग दिस वेरिएबल पार्टीशन स्कीम. ओके, तो मैंने क्या बोला, हम पार्टीशंस बेस्ड ऑन दी एग्जीक्यूशन हम इसको पार्टीशंस करते हैं. तो हम, ये हमारी मेन मेमोरी है, पहला साइज़ है 20 KB, तो हम पार्टीशन करेंगे सिर्फ 20 KB का. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, ये इसकी डिसएडवांटेज को ही ओवरकम कर रहा है. तो आ गया P1, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं हुई. नेक्स्ट आता है 30 KB का P2, तो ये हमने 30 KB का पार्टीशन कर दिया और P2 को भी एडजस्ट कर दिया. फिर हम, अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही, ठीक है. अब P3 की बारी आई, P3 के लिए 40 KB का होल पार्टीशन कर दिया और P3 को भी डाल दिया, ठीक है. अब मान लो कि हमारा इसका साइज़ सिर्फ यहीं तक था मेन मेमोरी का. ऑब्वियसली मेन मेमोरी कभी तो ख़त्म होगी ना, मेन मेमोरी का साइज़ ख़त्म हो गया, ये खाली ना हमारे पास 50 KB ही बच गया बाकी. और अब पार्टीशन जो भी होगा वो अगर 50 से कम होना चाहिए, अदरवाइज़ हम नहीं रख पाएंगे उस प्रोग्राम को. कुछ तो साइज़ होगा ना मेन मेमोरी का भी. मेन मेमोरी अनलिमिटेड साइज़ की तो नहीं है, इंडेफिनिट साइज़ की नहीं है, तो ये इतनी ही साइज़ होगा इसका. 20 KB हमने पार्टीशन किया, 30 किया, 40 किया, उसके बाद हमारा सिर्फ 50 KB ही बचा है. तो हम अभी और 10, 20, 30 कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 50. लेकिन अब कौन सा प्रोग्राम आ गया, P4, जिसका साइज़ है 70 KB. क्या 70 KB यहाँ एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका साइज़ 50 KB है, बच गया बस. तो ये क्या है, ये वेस्टेड होल है एंड दिस वेस्टेड होल इज़ नथिंग बट नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंट. एक्सटर्नल फ्रेगमेंट, तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज ही है इन वेरिएबल पार्टीशन स्कीम. फिक्स पार्टीशन स्कीम में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस होल एक्सप्लेनेशन. जो अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया यही पूरी उसकी है. पार्टीशन स्कीम के अंदर हमारी दो प्रॉब्लम्स आती हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी रिस्ट्रिक्टेड. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 8 पार्टीशंस किए हैं, तो आई कैन ओनली अकोमोडेट 8 प्रोग्राम्स, नॉट मोर देन 8 प्रोग्राम्स. एंड मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहती है, व्हेन मल्टीपल प्रोग्राम्स रिजाइड इन दी मेन मेमोरी, ठीक है. तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होके रह गई कि 8 पार्टीशन किए तो 8 ही प्रोग्राम्स आ सकते हैं, 9 पार्टीशंस करे होंगे तो 9 ही आ सकते हैं. सो दीज आर दी टू डिसएडवांटेजेस, ठीक है. सो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है. इसमें क्या बोला, दो प्रॉब्लम्स, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज रिस्ट्रिक्टेड एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड देन द सेकेंड वन इज वेरिएबल पार्टीशन स्कीम. सो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग को भी, क्योंकि हम बेस्ड ऑन दी लिस्ट वी विल मेक दी पार्टीशन. सो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. सो I hope you understand the fixed and variable partition scheme. You can have a look of this example also. So you can take the screenshot also. यहाँ पर देखो P1 का साइज 100 KB एंड ये 150 KB का पार्टीशन था, तो 50 KB इज वेस्टेड एंड इट इज़ नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. और आप यहाँ पर वेरिएबल पार्टीशन स्कीम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दिस इज़ द रिक्वेस्ट, ये इस सीक्वेंस में आ रहे थे एंड बेस्ड ऑन दी सीक्वेंस वी विल मेक दी पार्टीशन. और लास्ट में 60 KB वेस्ट हो गया एंड दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स. अब पार्टीशन तो है, तो प्रोग्राम्स को किस फैशन में हमें उस पार्टीशन के अंदर रखना है वो हम देख लेते हैं एक बार. सो देर आर 3 पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स. फर्स्ट वन इज फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, सेकेंड इज बेस्ट फिट एंड द थर्ड वन इज वर्स्ट फिट, ठीक है.
फर्स्ट फिट क्या कहता है, से सपोज ये पार्टीशंस है, ठीक है, ये हमारे पार्टीशंस है, हर किसी का साइज है. अब पार्टीशन स्कीम कोई भी हो सकती है, फिक्स पार्टीशन स्कीम, और हम मानकर चल रहे हैं पार्टीशंस तो हैं बट ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो हम क्या क्या मेथड्स अब यूज़ कर सकते हैं उस प्रोग्राम को पार्टीशन के अंदर डालने के लिए. ठीक है, से सपोज इसका 100 KB है, इसका 20 KB है, इसका 30 KB है, इसका 5 KB है एंड इसका 10 KB है, से सपोज. और हमारे प्रोग्राम का साइज़ जो है, P1 प्रोग्राम का साइज़ है से सपोज 20 KB. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट एलोकेशन मेथड, अब ये प्रोग्राम कहाँ था, सेकेंडरी मेमोरी में, हमें इसको डालना है मेन मेमोरी में. अब ये स्कीम कोई भी चूज़ हुई हो सकती है, जो पार्टीशंस मैंने अभी किए हैं, हो सकता है वो अभी यहाँ से तो हमें देखकर पता चल ही रहा है कि ये फिक्स पार्टीशन स्कीम ही है. सो और कैन बी, इट कैन बी अ वेरिएबल पार्टीशन स्कीम ऑल्सो. तो हम अभी देख रहे हैं कि हम P1 को जो है कौन, अब ये सारे ब्लॉक्स हैं, अब कौन से ब्लॉक में हम इसको डालेंगे. ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं ये पार्टीशन एलोकेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट फिट पार्टीशन एलोकेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ. फर्स्ट फिट कहता है जो पहला खाली ब्लॉक मिल जाए ना उसमें P1 को डाल दो, जो पहला खाली ब्लॉक मिल जाए उसमें आप अपने प्रोग्राम को डाल दो. सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट फिट के हिसाब से आप P1 को कहाँ डालोगे, खाली कौन सा ब्लॉक है, 100 KB डाल दिया हमने P1 को, और चाहे कितनी भी वेस्टेज हो जाए, 80 KB की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं. फर्स्ट फिट क्या कहता है, जो पहला खाली ब्लॉक मिल जाए उसके अंदर प्रोग्राम को डाल दो. ठीक है, अब आती है बेस्ट फिट की बारी. बेस्ट फिट क्या कहता है कि आप अपने प्रोग्राम को उस जगह पे डालो जहाँ पे फ्रेगमेंट कम, वेस्टेज कम हो. तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू बेस्ट फिट, अब हम फर्स्ट फिट को छोड़ दिया हमने, अकॉर्डिंग टू बेस्ट फिट जहाँ पे कम वेस्टेज होगी 20 KB कहाँ फिट हो जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा, यहाँ पे तो बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हो रही. तो बेस्ट फिट ये कहता है कि जहाँ पे सबसे कम वेस्टेज हो उस ब्लॉक के अंदर डालो अपने प्रोग्राम को. वर्स्ट फिट क्या कहता है, ऐसी जगह पे डालो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्टेज हो, वही, तभी तो इसका नाम फर्स्ट फिट है. तो हम अपने प्रोग्राम P1 को कहाँ डालेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्स्ट फिट हम अपने प्रोग्राम को सबसे बड़े वाले पार्टीशन में डालेंगे, दैट इज़ नथिंग बट दिस वन, 100 KB, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेस्टेज होगी. फर्स्ट फिट जो पहला ब्लॉक, बेस्ट फिट जहाँ पे कम वेस्टेज हो, वर्स्ट फिट ऐसी जगह पे डालो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्टेज हो. सो यहाँ पर यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, यू कैन रीड इट एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट फिट. ये जो शेडेड रीजन है, दिस मीन्स बिजी पार्टीशन, मतलब इस किसी ने पहले से ऑक्यूपाई किया हुआ है. और ये जो है ब्लैंक फ्री पार्टीशन है, यहाँ पर आप डाल सकते हो 18 KB वगैरह में डाल सकते हो आप. और प्रोग्राम का साइज़ यहाँ पे 20 KB है, तो प्रोग्राम आया 20 KB का, तो फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग आपने उसको कहाँ पे डाल दिया, 22 KB में. ठीक है, क्योंकि पहला पार्टीशन हमने ये देखा, शुरू से देखा 18 KB में ये नहीं आ सकता, 20 KB साइज़ है, 12 में भी फिट नहीं हो सकता, 22 में हो सकता है, तो हमने P1 को 22 में डाल दिया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट फिट. बेस्ट फिट में ये फ्री पार्टीशंस है, बिजी पार्टीशन, बिजी मीन्स आप उसमें नहीं डाल सकते, ऑलरेडी कोई प्रोग्राम है उसमें. P1 का साइज़ कितना है, 16 KB है, तो आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू बेस्ट फिट किस में डालोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ पे भी अगर फर्स्ट फिट होता तो हम 22 में डालते, लेकिन बेस्ट फिट है तो हम 22 में नहीं डालेंगे, जहाँ पे कम वेस्टेज होगी, यहाँ पे 2 KB का फ्रेगमेंट बनेगा, तो हम इसको यहाँ डाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्स्ट फिट. तो वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग आप किस में डाल सकते हो, वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग 16 KB आप सबसे बड़े वाले होल में डालो, सबसे बड़े वाले पार्टीशन में डालोगे, दैट इज़ दिस, सबसे ज़्यादा वेस्टेज यहाँ पे होगी, सो दिस इज़ वर्स्ट फिट. सो आई होप गाइज यू इन्जॉय दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड ऑल दी कॉन्सेप्ट्स. एंड नाउ आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल डिस्कस दी पेजिंग एंड सेगमेंटेशन नॉन कॉन्टिगुअस टेक्निक. आई हैव डिस्कस्ड फिक्स पार्टीशन एंड मल्टीपल पार्टीशन एंड पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स. एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस पेजिंग एंड सेगमेंटेशन. सो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज़.